थंबनेल देख के समझ गए होंगे या समझ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, इन सब में क्या अंतर है, और हम लोग को जो गुलाम बनाया था वो कौन बनाया था, ब्रिटेन बनाया था या यूनाइटेड किंगडम बनाया था, क्या बनाया, कौन बनाया था। तो सब कन्फ्यूजन को दूर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, इंग्लैंड एक कंट्री है, ये रहा उसका फ्लैग और ये रहा उसका लोकेशन। इंग्लैंड एक कंट्री है, अगर उसके अंदर हम वेल्स को मिला देते हैं, वेल्स उसके बगल का एक कंट्री है, अगर हम इंग्लैंड और वेल्स को मिला देते हैं तो वो बन जाता है ब्रिटेन। क्या बन जाता है? ब्रिटेन। इंग्लैंड प्लस वेल्स इज इक्वल टू ब्रिटेन। और इस दोनों के समूह में अगर हम स्कॉटलैंड को भी मिला देते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। अब चलिए, ग्रेट ब्रिटेन तक आप समझ गए। अब यहाँ पे एक और कंट्री है, ये देखिए उसका लोकेशन, ये है आयरलैंड। आयरलैंड का दो तरह का है, मतलब एक नॉर्दर्न आयरलैंड है, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। तो आयरलैंड दो है। तो देखिए, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है उसको अगर इस ग्रुप में मिला दिया जाए, यानी पहले से जो ग्रुप बन चुका है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड का जो ग्रुप है जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, उस ग्रुप में अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला दें तब जो बनता है, बड़ा सा जो बनता है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके। तो हम लोग को यूके गुलाम नहीं बनाया था, तो हम लोग को गुलाम बनाया था ब्रिटेन। तो हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में आते थे, यानी ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन ही हम लोग को गुलाम बनाया था, आयरलैंड वालों ने हमें गुलाम नहीं बनाया था। तो आपको ये उम्मीद है ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। और इन सब का अपना ऑर्गेनाइजेशन और कैसे ये काम करता है, ये आगे का टॉपिक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर जानिए, कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए।